गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सीन ये है कि आज का व्लॉग होने जा रहा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आज जा रहा हूँ मैं ओस्लो। सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन, ट्रेन लेके मैनचेस्टर से हमने जाना है, पुल से जाना है मैनचेस्टर, मैनचेस्टर एयरपोर्ट से जाना है आगे ओस्लो नॉर्वे। ठीक है जी। अब सीन ये है कि अभी मेरी 9:15 पे है जी ट्रेन, तो अभी देखते हैं क्या सीन होता है। गाइस मुझे लग रहा है कि मैंने बेमकसद पे किया है। ये देखें सारे के सारे जो हैं एंट्री ओपन है, कोई आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये तो ज्यादा है, सीधी सीधी मैंने बेमकसद पे किया फिर इसका मतलब है। सो गाइस ऐसे है कि ट्रेन्स की टाइमिंग ये लिखी हुई है सारी, और लीड्स जाना है हमने। पहले मेरी ट्रेन का जो है ट्रैवल बड़ा चेंज कर करके है, मुझे बार बार दो ट्रेन चेंज करनी है। तो लेट्स सी नाउ कि क्या सीन होता है। गाइस बहुत खवारी वाला सफ़र होने वाला है, तो कोशिश करेंगे जितना स्टेमिना हुआ कैप्चर करूँगा, वीडियो बना सकें, ठीक है, प्रॉपर व्लॉग बनाएं, क्योंकि जब बंदा थक जाता है तो व्लॉग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैं फुल ट्राई करूँगा कि व्लॉग अच्छा सा बने। और ओस्लो जाना है, मैंने होटल की बुकिंग सब कुछ हुआ हुआ है पहले से ही, और देखते हैं बाकी कोई फ़्लाइट अलग करे, कोई डिले ना हो, अदरवाइज़ बड़ा प्रॉब्लम है। और लेट्स सी नाउ, अभी ट्रेन का मैं वेट कर रहा हूँ कितने बजे आती है। वैसे 9:30 पे इसने आ जाना है, और अब देख रहे हैं कब तक आती है, इधर को ट्रेन का पता नहीं चलता। तो गाइस ऐसा है कि मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले शिफ्ट की है, और शिफ्ट के फ़ौरन बाद मैं इधर ट्रेन स्टेशन आ गया हूँ तैयार होके, और वहाँ से ही मैंने चेंज कर लिया, ऑफिस से ही कपड़े वगैरह चेंज किए और इधर पहुँच गया हूँ। क्योंकि जो ऑफिस है मेरा ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है, तो बहुत इजीली फिर मेरे लिए मैनेज कर लिया मैंने। और देखते हैं अब क्या होता है, लेट्स सी। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगूँ, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये है जी ट्रेन स्टेशन, जिधर जिधर इसने रुकना है, तो हमारा है लीड्स। सो गाइज अभी सीन ये हुआ है कि मैं जो था 9:15 पे मेरी ट्रेन थी, ठीक है, और ट्रेन लाइन पे किसी भी टाइम कुछ भी चेंज हो जाता है। और मैंने वहाँ पे स्टेशन पे खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, किसी से पूछा कि हाँ जी ट्रेन ये लीड्स जानी है, कितने बजे जानी है। तो वो कहते हैं वो ट्रेन वो खड़ी है, कि मैं वहाँ से तुड़की लगाई है मैंने, और क्योंकि ट्रेन लाइन एप्लीकेशन पे प्लेटफॉर्म 2 आ रहा था, और रियल में प्लेटफॉर्म 5 पे ट्रेन खड़ी थी। फिर मैं भागा भागा ट्रेन पकड़ी, 2 मिनट भी नहीं, अगर 2 मिनट भी अगर मैं लेट हो जाता तो ट्रेन मिस थी। तो बाकी गाइस ट्रेन लाइन एप्लीकेशन पे कोई बिलीव नहीं है, ऊपर से सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर घुसते जा रहे हैं, और भाई को पे करना पड़ गया, वो भी 60 पाउंड्स। बट चलो खैर है, कोई नहीं, होता रहता है। एंड अभी आगे सीन ये है, लीड से मैंने आगे 2-3 स्टेशन है वो चेंज करने हैं, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या होता है। पहुँचना तो है, जाना तो है, बट लेट्स सी। गाइस सीन ये है कि अभी ये जो ट्रेन है ये लेट हो गई है, और प्लेटफॉर्म 2 पे दोबारा आनी है इसी प्लेटफॉर्म। सो गाइस ट्रेन जो है रास्ते में उसका इरादा चेंज हो गया था, तो अभी जो है मैं प्लेटफॉर्म 1 पे जा रहा हूँ, क्योंकि रास्ते में उन्होंने बोला कि ट्रेन थोड़ी सी लेट है तो प्लेटफॉर्म 1 पे जाना है, और आखिर में 2 मिनट के बाद ट्रेन आ जानी है, इसलिए प्लेटफॉर्म 1 पे भागना पड़ा, वरना ये ट्रेन भी गई। तो गाइस ट्रेन जो है वो आ चुकी है, और अब चलते हैं जी। इसके तो सिर्फ 2 ही कैबिन हैं, एक ये। चलो सो गाइस अभी सीन ये है कि ट्रेन के अंदर मैं बैठ गया हूँ, और अगर ये वाली ट्रेन लेट हुई तो जो नेक्स्ट वाली है वो भी लेट होगी। तो अल्लाह करे अब ये वाली टाइम पे पहुँच जाए, इसको कहीं पे स्टॉप ना करना पड़ जाए, उसकी वजह से बहुत खवारी होने वाली है मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइस ऐसे है कि अभी लीड्स जो है मैं पहुंच गया हूँ। अब ये सीन है कि मैनचेस्टर विक्टोरिया जाना है, विक्टोरिया से अगली जो ट्रेन है वो हो जाएगी एयरपोर्ट। तो गाइस सीन ये है कि मैनचेस्टर विक्टोरिया के लिए मैं बैठ गया हूँ, अभी जाके आगे से फिर से ट्रेन चेंज करनी है। रात के टाइम जब भी ट्रैवल करते हैं यही ख्वारी है कि ट्रेन पर ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, या ट्रेन डिले हो जाती है या लेट आती है। तो कोशिश करो वैसे दिन को ही ट्रैवल करो, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरी डे में शिफ्ट थी,
तो मैंने रात को चूज़ किया सफ़र करना। अदरवाइज़ नाइट में ट्रैवल करना बहुत डिफ़िकल्ट है, ट्रेन लेट होती है, डिले होती है, कुछ समझ नहीं आती है कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो फिर भी असी भी बाज नहीं आना, असी भी पहुँच के रहना है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी इसके बाद मैनचेस्टर पिकाडेली समथिंग है, उधर पहुँचना है, और उसके बाद फिर एयरपोर्ट है और 5:45 पे फ्लाइट है। वो बैटरी मेरी हो रही है थोड़ी थोड़ी सी अप डाउन है, क्योंकि सुबह शिफ्ट भी की हुई है और साथ ही अब ट्रैवल के लिए निकल आए हैं। गाइस ऊपर से आज है फ्राइडे की नाइट, तो माहौल बना हुआ है, माहौल फ्राइडे नाइट को इधर माहौल ही बना होता है, तो उसकी वजह से भी शायद कोई है, सवारियाँ कुछ ज़्यादा हैं कह लो या जो भी है। लेकिन जो ट्रेन है वो मतलब नॉर्मली कैबिन होते हैं ज़्यादा, लेकिन ये दो या तीन कैबिन ही चलते हैं हर ट्रेन के, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल बना हुआ है फ्राइडे नाइट की वजह से। हुआ है कि ट्रेन वगैरह सारी निकल चुकी हैं, अभी मैंने टैक्सी कराई, ये मैंने टैक्सी करवाई है, ठीक है अभी इधर निकलना है। सो जी सीन ये है कि अभी मैं ट्रेन वगैरह कैंसिल है सारी, तो जो भी प्लान हुआ हुआ था वो कोई नहीं है, अब मुझे टैक्सी करवानी पड़ी है, ऊबर करवाई है, तो अब ये ऊबर में बैठ गए और जिसकी वजह से सारा प्लान जो है कैंसिल हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है। ये है कि मैंने ऊबर करवाई, ऊबर इसलिए करवाई क्योंकि ट्रेन जो थी कंफर्म लेट थी, तो उसकी वजह से फिर मैंने जो है सोचा कि ट्रेन मज़ीद जो लेट हो रही थी, ट्रेन पहली बात थी नहीं, ठीक है, तो फिर मैंने ऊबर करवा ली और मैंने कहा चलो टाइम पे पहुँचूँ तो सही एयरपोर्ट, ये ना हो कि पहुँच ही ना पाऊँ और फ्लाइट भी डिले हो जाए, ठीक है। तो ये सामने है जी टर्मिनल 3, ये टर्मिनल 3 है और बहुत खवारी वाला सफ़र होता है, मैं बता रहा हूँ, क्या करें, घूमने का शौक़ भी तो बहुत है, लेकिन फिर भी चलो पहुँच गए हैं बस, ठीक है। ऊपर की पक्की पड़ी है एक स्पेशल एक्स्ट्रा, लेकिन ट्रेन का इधर कोई भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से मैंने कहा चलो फिर टैक्सी करवाएं और पहुँचें, क्योंकि मैं चाचा सिटी सेंटर में ही था मैं जब मैंने फिर टैक्सी करवाई। गाइस आवाम जो है उधर देख सकते हैं आप सो रही है, और मैं भी कोई जगह ढूंढता हूँ जिसमें मैं भी सो सकूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम पड़ा है और खाली एयरपोर्ट है, हम इतनी जल्दी पहुँच गए इधर, बहुत जल्दी है जाने की, अब देखो क्या सीन होता है। एक वो लेट हुआ है जी, इधर भी है काफ़ी आवाम है, देखें। सो गाइस सीन ये है कि रायन एयर का जो वीज़ा सिक्योरिटी चेक्स वगैरह होते हैं वो मेरे बैक साइड पे है, 3:45 पे जो है ओपन होना है डेस्क, साथ ही मैंने पहुंच जाना है उधर। अभी हुआ है 2:00 और 3:00 लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं उधर चला जाऊँगा, तब तक थोड़ी सी एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि 9:15 का मैं चला हूँ और अभी जाके पहुँचाऊँ मैं इधर, तो बू रोला ने जी, बू रोला ने। सो गाइस अभी भी जो है तकरीबन 45 मिनट्स रहते हैं, टाइम नहीं गुजरा और मुझे हल्की हल्की नींद भी आ रही है और मैं सोना भी चाह रहा हूँ, बट सो नहीं सकते, अगर सो गए तो इधर लंबी लाइन लग जानी है, और इसलिए मैंने नज़र रखी हुई है कि जैसे ही काउंटर ओपन हो फौरन भाग जाना है मैंने साथ ही, ये है। तो गाइस अब सीन ये है कि जो अभी वीज़ा वगैरह चेक होना है, ठीक है, उसके बाद फिर अभी पता चलेगा क्या सीन होता है, ठीक है। वीज़ा काउंटर इधर हैं सारे। सो गाइस बोर्डिंग पास मिल गया, और जल्दी आने का ये तो फ़ायदा है कि लाइन में नहीं लगना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लाइन होती है, और अभी बस सिक्योरिटी चेक है उसके बाद क्लियर, तो ये सीन है, इधर अभी खाली है सारा कुछ। तो गाइस सिक्योरिटी चेक क्लियर हो गया है, मेरे पास सिर्फ वैसलीन थी और फेस वॉश था, तो आप अपने पास कुछ भी ना रखो तो बेहतर रहता है, वरना हल्का सा भी हो जाए उनको शक तो फिर पूरा बैग ओपन करवाते हैं, इसलिए बेहतर है कि कुछ ऐसी चीज़ लाओ ही मत, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्लाइट को देखते हैं, गेट पे जाना है, उधर जाके वेट करना है जस्ट, कि अभी पासपोर्ट वगैरह चेक हुआ है।
सीन ये है कि अभी फ्लाइट ने टेक ऑफ करना है और फाइनली पहुंच गए हैं एरोप्लेन में। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जी, और अब सीन ये है अब इमिग्रेशन वाले को पास करना है, उसके बाद फिर अंदर चले जाना है एयरपोर्ट के बाहर। ओके गाइस वो सामने है, अभी दोबारा से जो मुसाफिर हैं वो बैठ गए हैं उसमें, और अब वो चला जाएगा दोबारा मैनचेस्टर। ये हाल पासपोर्ट है वो दूसरे जो यूरोपियन सिटीजन है, हमने इस लाइन में खड़े होना है। सो गाइस अभी सीन ये है कि ये बस है, ठीक है, और बस स्टेशन इस बस से हमने अब जाना है ओस्लो बस टर्मिनल सिटी सेंटर, ठीक है। तो अभी देखते हैं जाके क्या सीन है टिकट वगैरह का, अभी जाके पता चलेगा, ठीक है। ओ गाइस सीन ये है कि मैं जो हूँ ओस्लो पहुँच चुका हूँ, ठीक है। अभी बस ने यहाँ पे मुझे ड्रॉप किया है ओस्लो बस टर्मिनल ने पे, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सिटी सेंटर वाली साइड पे। ओके देखते हैं अभी पहले शॉपिंग सेंटर जाना है, वहाँ से एक दो चीज़ें लेनी है गाइस। बाकी सीन ये है कि सर्दी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है यूके की नस्बत, और बाकी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ऐसा लगता है जैसे अभी गाड़ी एक दूसरे में ठुकने वाली हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये है जी सिटी सेंटर, ये इधर की पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, वो सेंट्रम लिखा हुआ है, सेंट्रम, सेंट्रम का मतलब यही है कि सिटी सेंटर। अभी मैं कोई शॉपिंग सेंटर ढूंढ रहा हूँ, तो देखते हैं फिर अभी। सो गाइस मुझे लगी हुई थी भूख बहुत ज़ोर से तो मैंने क्रॉसेंट लिया और साथ में मिल्कशेक लिया है, ये काफ़ी मज़े का है, बीच में हल्के हल्के जैम है, भूख लगी हो तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है, साथ में क्रॉसेंट एग। लास्ट टाइम में जब मैं नॉर्वे आया था तो मेरी सिस्टर ने मुझे खिलाया था। सो गाइस ये है जी ट्रेन स्टेशन, और यहाँ पे ट्रेन की टाइमिंग्स वगैरह लिखी हुई हैं सारी, जैसे बर्मिंघम ट्रेन स्टेशन है इसी तरह ये ओस्लो ट्रेन स्टेशन है, ठीक है। और नाइस क्लॉक। तो गाइस काफ़ी बड़ा ये सिटी सेंटर लग रहा है कोई, और गाइस सीन ये है कि अभी एक होस्टल टाइप जगह बुक की थी मैंने, और ये नंबर है या 508E, ओए सेकंड फ्लोर और ऊपर है, साथ मैंने दी है टॉवल और बेडशीट, और देखते हैं अब कैसा है माहौल रूम का। सो गाइस सीन ये है कि ऐसे करके ये बेड लगे हुए हैं ऊपर नीचे, और यहाँ पे हमने मेरा ये नीचे वाला है, और यहाँ पे रात गुजारनी है, और ठीक है खामोशी है, सुकून है, इट्स गुड, और कॉस्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक ठीक है ये। तो गाइस सीन ये है अब के अभी मैं बेड पे लेट चुका हूँ, और मुझे नींदर सख्त करके आई हुई है, और क्योंकि रात का मैं जागा हुआ हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया रास्ते में, भी भूख लगी हुई है, अभी जाएंगे थोड़ा सा खाना खाने, और हवा बहुत तेज़ चल रही है बाहर, इसलिए मैंने आज कैब पहनी रखी है, क्योंकि हल्का सा भी बीमार हो गया सारा टूर ख़राब हो जाने, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा हूँ, तकरीबन हाफ एन आवर रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर उठूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। ये बेड है एक, ये बेड है एक, ये बेड है एक, इसी तरह। तो लाइक ये चीप है काफ़ी रेट वाइज, क्योंकि वरना ओस्लो सिटी सेंटर के अंदर जो अकोमोडेशन है वो काफ़ी महंगी होती है, तो लाइक कंपेयर करो ना एयरबीएनबी से, तो ये काफ़ी थोड़ा सा रूम सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ सोना ही तो है, तो थोड़ी देर सो के आप घूमने फिरने निकल जाओ फिर से, ठीक है, तो लाइक ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो अकोमोडेशन है। तो ये आ गया काबली पुलाव, और साथ कबाब और साथ नान, और सो गाइस अभी लगा हूँ मैं सोने के, और सुबह फिर मिलते हैं 8 बजे, सुबह का प्लान थोड़ा सा मज़ीद टफ है, तो मिलते हैं फिर कल, ब्लॉग करने लगा मैं एंड, और तब तक के लिए बाय बाय।